मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है, जहां किचन में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले ही जिले में एक के बाद एक 30 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। ताजा मामला जिले के सिंधी कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक महिला किचन में खाना बना रही थी और इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस घटना में महिला को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में 30 टंकियों में ब्लास्ट होने से पूरा शहर दहल गया था। एक के बाद एक गैस से भरी सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण आग काफी भड़क चुकी थी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। इस हादसे में कुल 7 लोग घायल हुए थे। घायलों में आरोपी राजेश पवार, उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल था। पत्नी के गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी राजेश पवार के बेटे दीपक की भी जान चली गई थी। इस घटना में कुल 2 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।